पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज के लिए फेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दिल्ली स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस कृष्णा नगर जिला की एक अहम बैठक आराम पार्क स्थित अंसारी हाउस में की गई, जिसकी अध्यक्षता कॉन्फ्रेंस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हाजी इमरान अंसारी ने की तथा कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अंसारी एडवोकेट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष सलीम अंसारी के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल रशीद अंसारी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष खुर्शीद अंसारी, हाजी कलीम अंसारी, हाजी महबूब अंसारी, मोहम्मद मेहरबान, मकसूद आलम, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद मुजम्मिल एडवोकेट, मोहम्मद शुएब अंसारी, इरफान अंसारी, परवेज अहमद आदि ने भी शिरकत की। मंच का संचालन मशहूर शायर दानिश अयूबी ने किया। इस बैठक में कुछ नए सदस्यों को भी शामिल किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदाधिकारियों में ऊर्जा उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर कॉन्फ्रेंस के बलिदानी व सुनहरे इतिहास को दोहराया तथा पदाधिकारियों की समस्याओं व सुझावों पर भी चर्चा की गई। डिनर के साथ बैठक सम्पन्न हुई। बात यह कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं बचपने से हूँ, लोग ये रहते हैं बहुत पुराने हैं और मैं कहता हूँ मैं बचपने से हूँ, मेरे अंदर नसों में खून के अंदर वुमेन कॉन्फ्रेंस, ऐसे ही सदर में ही यहाँ बैठा हूँ। देखिए, ये जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बहुत पुरानी तंजीम है और पूरे हिंदुस्तान में 22 स्टेट में इसका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और हम लोगों ने हमेशा नेशनल बिल्डिंग, नेशनल और सेकुलरिज्म की तरफ काम किया है। आज जो हम जो कर रहे हैं, चूँकि 13 नवंबर को ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी की इलेक्शन का ये है प्रोग्राम है, उसमें हम नेशनल प्रेसिडेंट और 15 वर्किंग कमेटी के मेंबर चुने जाते हैं, तो उस सिलसिले में डेलीगेट्स बनाए जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से और मेम्बर्स बनाए जा रहे हैं एक्टिव मेम्बर, तो उस सिलसिले में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, कई जगह अभी हमने मीटिंग किया है स्टेट में, अब वहाँ के स्टेट के लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज में, चूँकि दिल्ली में हम यहाँ हैं इसलिए दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग अटेंड कर लेते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम अपना डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है कुछ चुने हुए नुमाइंदे जो उस एरिया से आएंगे जो कि प्रेजिडेंट को चुनेंगे, नेशनल प्रेजिडेंट और 15 मेम्बर को चुनेंगे, उसके लिए चुन कर कर करके एक नई कमेटी बनेगी और नई कमेटी फिर इसको, इसके जो जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको आगे बढ़ाएगी और उसको मजबूती के साथ हम वुमेन कॉन्फ्रेंस को और कैसे मजबूत करें उस पर वो डिस्कस होगा। और कुछ चीज़ें जो नेशनल, वो एक नेशनल कन्वेंशन भी होता है जिसमें सब स्टेट के नुमाइंदे आते हैं, तो उसमें नेशनल वे में एक कन्वेंशन होता है, बातचीत होती है वुमेन कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने के लिए और एक नए प्रोग्राम के साथ कि हम वुमेन कॉन्फ्रेंस के लोगों को कैसे मजबूत करें, बरादरी को कैसे मजबूत करें, जो हमारे बरादरी में जो लोग कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उसको कैसे उनका, उनको उठा कर करके उनको हम लोग आगे बढ़ाएँ, तरक्की के रास्ते पर ले जाएँ, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वुमेन कॉन्फ्रेंस का। ख़ास तौर से अभी हम लोग इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं कि इलेक्शन में ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन हो, ज़्यादा डेलीगेट्स बने और वोटर्स बने और अपने नेशनल प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें। नहीं देखिए, उद्देश्य तो यही है कि जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना, हमारा तो 13 नवंबर को चुनाव हो रहा है ऑल इंडिया बॉडी का, उसके लिए डेलीगेट वगैरह बनाने का था, उसके साथ साथ जो है वुमेन कॉन्फ्रेंस चाहती है कि अंसारी बिरादरी और प्लस साथ में जो मुस्लिम ओबीसी बिरादरियाँ हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए पॉलिटिकल तौर के ऊपर, उसी ताल्लुक से हम लोगों ने यहाँ चर्चा भी की है कि जो आने वाला चुनाव है एमसीडी का उसके अंदर हम पॉलिटिकल लाइन पर चलते हुए अपने ओबीसी से, अंसारी बिरादरियों से अपने नुमाइंदे जो है उतारेंगे सेकुलर पार्टियों के अंदर, उस सिलसिले में सलाह मशवरा भी यहाँ किया गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ओबीसी मुस्लिम जो बिरादरियाँ रहती हैं तकरीबन 40 लाख हैं और उन 40 लाख के अंदर 22 लाख जो है वो सिर्फ अंसारी है दिल्ली के अंदर, लेकिन जब हम एमसीडी की बात करते हैं या किसी एमएलए इलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ ना मुस्लिम ओबीसी नज़र आती है, ना अंसारी नज़र आते हैं, वहाँ दूसरे लोग नज़र आते हैं, तो आज ये बात की ज़रूरत है कि हम मुस्लिम ओबीसी और प्लस हम अंसारियों को साथ लेकर अपने, अगर सेकुलर पार्टियाँ टिकट देंगे तो ठीक है, वरना तो वुमेन कॉन्फ्रेंस तो उनको इलेक्शन लड़ाएगी, इस सिलसिले में भी आज चर्चा हुई है।